मैं लखनलाल माली मोटिवेशनल क्लासेस से और मोटिवेटर लखनलाल माली आज एक बहुत ही खास मुद्दा या खास विषय लेकर आपके सामने आए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा एक बहुत एक डर जिसको हम कह सकते हैं सबकी एक जेहन में एक डर बैठा हुआ होता है परीक्षा के नाम से। तो हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे कि परीक्षा का जो डर आपके मन में है जेहन के अंदर है वो हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा नज़दीक आने वाली है, जैसे LDC की पूरे राजस्थान के अंदर देखें तो लगभग 14 या 15 लाख प्रतियोगी हैं जो कि LDC की एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब तैयारी सभी करते हैं साथियों, लेकिन तैयारी किस प्रकार से की जाए कुछ टिप्स आपको बताएंगे। हो सकता है कि आप उन टिप्सों के सहारे से हो सकते सफल हो सकते हैं। बस तैयारी आप कर ही रहे हैं, सभी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना होता है। तैयारी आप कितनी करते हैं इस बात का महत्व उतना नहीं होता है जितना कि आप तैयारी क्या करते हैं या क्या आप पढ़ रहे हैं, किताब कौन सी पढ़ते हैं ये ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। आप तैयारी कौन सी किताब, आपके पास कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन आप एक किताब को ही आधार बना करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी किताब को आप बार बार पढ़ते हैं तो ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका हम कह सकते हैं इसको। अब जैसे कि आपको पता है LDC की हम बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा के रूप में LDC ही अभी राजस्थान में होने वाली है, क्योंकि हाल ही में जैसे कि एग्ज़ाम अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, 4 चरणों में एग्ज़ाम अपना होगा। तो उसमें आपको बताना चाहेंगे कि गणित है एक तो मुख्य जो इसमें विषय रहेगा आपका, गणित है, अंग्रेजी है और एक साइंस हम इसमें बता सकते हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। तो आपको मुख्य बात जो बतानी है वो ये है कि आप अपनी जो किताब है कोई भी किताब ले लो। आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी गाइड हमें लेनी चाहिए, कौन सी कोचिंग के हमें नोट्स पढ़ने चाहिए, तो मैं आपको बस ये की सलाह दूंगा, बस नोट्स आपके पास कोई भी हो, गाइड आपके पास कोई भी हो, लेकिन सिर्फ एक ही गाइड आपके पास होनी चाहिए। उसी गाइड को आधार बना करके आप बार बार उसी का अभ्यास करेंगे। जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ों को जो हम समय को ख़राब कर देते हैं वो समय आपको ख़राब नहीं करना होगा। जैसे कि आप सबसे ज़्यादा जो हम समय ख़राब करते हैं वो साथियों मोबाइल का होता है, मोबाइल से अपने को थोड़ा दूर रहना होगा। यदि जो भी प्रतियोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसको मोबाइल से जितना दूर रहेगा, हाँ यदि आवश्यकता है तो अपन देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा समय खराब होता है वो मोबाइल के अंदर ही होता है। तो इसमें LDC में आपको जैसे कि आपने लक्ष्य की गाइड है आपके पास, या राय की गाइड है आपके पास, या दक्ष की गाइड है, तो आपको उसी गाइड को बार बार पढ़ना है। चाहे कोई आपसे कह सकता है कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि आप एक ही गाइड को पढ़ेंगे, दो गाइडों को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। कोई भी प्रतियोगी राजस्थान में ऐसा नहीं है जो उन सबको पढ़ करके याद कर ले, संभव ऐसा नहीं होता है। एक गाइड को आप आधार बनाएंगे, उस एक गाइड के अंदर से 80 या 90% जरूर से आता है और इतने पर आसानी से सिलेक्शन आपका हो जाता है। इसलिए अपने को मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन होना, तो यही आपकी पहचान होगी कि आपका नंबर आना चाहिए, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। नहीं तो अपने को पता है कि एक लाइन होती है, उस लाइन से या तो उस पार या इस पार, ऊपर जो होते हैं एक लाइन होती है आपकी पास और एक होती है फेल। तो फेल जिस एरिया होता है फेल का, उसमें आने वाला फेल ही कहलाता है, चाहे वो पॉइंट से रहे या कितने भी कम नंबर से आया है, फेल ही कहलाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपके एक दृढ़ निश्चय आपको करना होगा, आपको सोचना होगा कि मुझे ये करना ही है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे तैयारी करें हम, तो ये भी महत्व की बात नहीं है कि कितने घंटे तैयारी करें, मन से आप कितने घंटे तैयारी कर रहे हैं वो बात है इम्पोर्टेंट आपकी। चाहे आप 4 घंटे तैयारी करें, 4 घंटे तैयारी करके भी हम सफल हो सकते हैं, लेकिन 4 घंटे तैयारी का मतलब है 4 घंटे सिर्फ तैयारी ही होनी चाहिए आपकी। उस बीच में आपका कोई डिस्टर्बेंस किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, तैयारी तभी सफल हो सकती है आपकी। तो आपको केवल अपना टारगेट फिक्स रखना है, उसके लिए आपको इरादे मजबूत करने होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जल जला, आसमां झुक कर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर कोर्स होगा कि नहीं होगा, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम उस पूरे सिलेबस को उस अपने हिसाब से डिवाइड करें उसको, कि हम इतने दिन में इसको कर सकते हैं, हिंदी को हम इतने दिन में पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को हम इतने दिन में कर सकते हैं, उस हिसाब से डिवाइड करके आप फिक्स जो आपने किया है उसी के समय के अनुसार होना चाहिए वो।
भी आपका दृढ़ निश्चय यदि है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय यदि नहीं होगा और उसमें अपने को पेशेंस रखना होता है। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं सर कि हमारा कोर्स नहीं हो पाता है, हमें किस प्रकार से हम तैयारी करें, हम किसकी तैयारी करें, और ये तो अपने को निश्चय करना होगा कि हम कितने किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो टारगेट एक बनाना है बस, एक टारगेट होगा तो अपन आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है 14 लाख विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं, उनमें से सिर्फ 11,000 या 12,000 पास होने वाले हैं। तो उनमें तैयारी सभी करते हैं, लेकिन तैयारी करने वाला वही सफल होगा जो एक सिस्टमेटिक तरीका से, एक व्यवस्थित तरीका से तैयारी करेगा, अन्यथा आपको पता ही है क्या होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि जो तैयारी आज कर रहे हैं वो तैयारी आपको बार बार नहीं करनी पड़े, तो उसी प्रकार की आप तैयारी करें तो आप एक ही फोकस और एक टारगेट, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, आप उसी तरह से तैयारी करें। आप ये मान लो कि ये तैयारी हमें दोबारा नहीं करनी, आपको वही जीके राजस्थान का वही गणित, आपको वही विज्ञान, आपको वही आपकी रीजनिंग या वही आपका साइंस दोबारा से आपको नहीं दोहराना पड़े, ये आप सोच लो अपने दिमाग में। नहीं तो आपको बार बार वही चीज़ करनी पड़ेगी। अब बार बार कोई इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार करेगा तो आपको पता है तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो बस साथियों यही है, अपना टारगेट एक रखना है अपने को, और तो अपने को उसके लिए मैं आपको कुछ पंक्तियाँ कहूँगा। उससे अपना ये पेशेंस अपने पास होना चाहिए, धैर्य अपने पास होना चाहिए कि तूफान कितना भी हो पाँव जमाए रखना, तूफान कितना भी हो पाँव जमाए रखना, दलदल कितना भी हो पाँव जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ़ के जमने तक हाथ लगाए रखना। क्योंकि अपने को पता है कि समय आने पर समय के साथ ही सब कुछ होता है, लेकिन अपने को समय के साथ ही चलना होगा, और समय के साथ जो चलता है वो अवश्य ही सफल होता है। तो अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि तैयारी आप कितने घंटे करते हैं इस बात पर आप इसको आधार बना करके तैयारी नहीं करें। तैयारी का आपका आधार ये है कि आप तैयारी अपने मन से कितना करते हैं, क्योंकि हम तत्पर होने चाहिए तैयारी के लिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए तैयारी के लिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए तैयारी के लिए। जुनून, उत्साह, तत्परता ये सब खत्म तो अपन तैयारी चाहे कहीं भी करो, कोचिंग कहीं भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो बस अपने पास जुनून हो, अपना उत्साह हो, तत्परता हो, आपके पास इंटरेस्ट हो, रुचि होनी चाहिए, तब जाके अपन आसानी से कर सकते हैं। कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। बस थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी, आपकी सोच बदलनी होगी। इसीलिए कहते हैं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कौन कहता है मतलब दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं है आपको, किनारे बदलो तो दिशा बदल जाती हैं। और अब भी समय है अपने पास, अभी भी एक या डेढ़ महीने का समय आपके पास है। उस डेढ़ महीने के समय को यदि व्यवस्थित तरीका से हम करते हैं अभी भी सफल हो सकते हैं। अभी भी अपने पास समय है, कोई समय अभी अपना निकला नहीं है, अभी अपने पास बहुत समय है। इसी समय को अपने को व्यवस्थित तरीका से करना होगा, अभी भी सफल हो सकते हैं आप, अभी भी सफल हो सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन अभी भी आप टारगेट बना लो, आप फिक्स कर लो कि अपने को करना है तो आप कर सकते हो। बस ये साइकोलॉजी होती है कि आप कर सकते हो। यदि ऐसा मन में आपके प्रश्न ये बात आती है अंदर से कि मैं कर सकता हूँ, तो आधा काम आपका आसान हो जाता है। आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। बस आप टारगेट एक बना लो। ज़्यादा किताबों से पढ़ना आपका अच्छा है कि एक ही किताब को ज़्यादा बार पढ़ें, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ज़्यादा किताब अपने पास होनी नहीं चाहिए, एक ही किताब को आधार बनाना है, उसको बार बार पढ़ना है आपको। बस बार बार आप उसी किताब को पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अंत में आपको बस यही कहना चाहेंगे, आपके लिए एडवांस में आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। मोटिवेटर लखनलाल माली मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आज़ाद, और दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना। यही है हमारी शुभकामना। साथियों सबके लिए नमस्कार। आप तैयारी करो और अच्छे सफल होंगे आप, इन्हीं कामनाओं के साथ में आज के लिए धन्यवाद। आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो किताब से संबंधित, कोई भी आपकी किसी प्रकार का प्रश्न हो तैयारी से संबंधित, आप बिल्कुल बेहिजक आप प्रश्न कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, लखन माली के नाम से आप चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, आप इसको शेयर करें और आप बताएं, अपने कमेंट करें, जो भी आपके प्रश्न हैं समस्या हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू।